स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। आज की वीडियो में हम जानेंगे किन किन कारणों की वजह से इंसान का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। तो जितने भी पॉसिबल रीजंस है ऑक्सीजन लेवल कम होने के, उन सबको कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो आखिर तक देखना पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीजन से जुड़ी कुछ बेसिक चीजें। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है नाक और मुंह के जरिए। ऑक्सीजन सबसे पहले तो हमारे लंग्स में पहुंचती है, हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों में जाने के बाद हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उनमें होते हैं RBCs मतलब रेड ब्लड सेल, और RBC में होता है हीमोग्लोबिन। तो लंग्स में से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में चली जाती है। वहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब ऑक्सीजन RBC में आ चुका है। अब ये ऑक्सीजन से भरा सेल टिश्यू सेल्स की तरफ रिलीज कर दिया जाता है शरीर में, जहाँ भी जरूरत है ऑक्सीजन की वहाँ पर। दोस्तों हमारा ब्लड शरीर में एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, ऐसे समझ लो। अगर आपको कोई पार्सल कहीं पहुँचाना हो तो पहले उस पार्सल को गाड़ी में रखा जाएगा, फिर वो गाड़ी वहाँ तक जाएगी जहाँ पार्सल पहुँचने वाला है, तब जाकर पार्सल डिलीवर होगा। ठीक वैसे ही इधर पार्सल ऑक्सीजन है और गाड़ी ब्लड है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारे शरीर में। जब तक इंसान जिंदा है ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है शरीर में। चलिए अब समझते हैं किन कारणों की वजह से शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। नंबर 1, अस्थमा। दोस्तों अस्थमा सबसे कॉमन रीजन है ऑक्सीजन लेवल डाउन होने का। ये एक मोस्ट कॉमन लंग्स डिजीज है जो दुनिया की 5% पॉपुलेशन को है। अस्थमा में होता क्या है अब ये समझते हैं। अस्थमा की सिचुएशन में हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल का फ्लो सही से नहीं बन पाता है, क्योंकि हमें सांस बहुत तेजी से जल्दी जल्दी लेनी पड़ती है। हमें घबराहट, बेचैनी, पसीना आने लगता है, सफोकेशन होने लगता है, जिससे पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। जब पेशेंट सांस जल्दी जल्दी लेता है तो ऑक्सीजन सही तरीके से हीमोग्लोबिन में नहीं मिल पाता है, जिससे ये प्रोसेस ब्रेक होता है और ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। नंबर 2, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे COPD भी कहते हैं। ये भी फेफड़ों की ही बीमारी है। तो COPD में क्या होता है, जो एयरवे होता है उसके अंदर जैसे ब्रोंकाइटिस है और उसके आगे के जो पार्ट्स है छोटी छोटी कैपिलरीज वगैरह, इनमें म्यूकस जम जाता है या ये कैपिलरीज सिकुड़ जाती है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। नंबर 3, निमोनिया। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। निमोनिया में पेशेंट को तेज बुखार आता है, कफ होता है और चेस्ट पेन होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनमें निमोनिया कॉमन होता है, और जो काफी बूढ़े होते हैं उनमें निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो निमोनिया की कंडीशन में भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। नंबर 4, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। इस कंडीशन में हार्ट सफिशियंटली पंप नहीं हो पाता है। जब हार्ट ठीक से पंप नहीं होगा तो ब्लड भी ठीक से पंप नहीं होगा, और जहाँ जहाँ शरीर में ब्लड की जरूरत है वहाँ तक ठीक से ब्लड पहुँच नहीं पाएगा। जब ब्लड नहीं पहुँचेगा तो मतलब ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा। नंबर 5, एनीमिया। तो एनीमिया में ब्लड में जो RBCs होते हैं ये कम हो जाते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली RBC भी कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन RBC के अंदर होता है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था, जब हम सांस लेते हैं तो लंग से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जाता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और शरीर में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहाँ वहाँ ऑक्सीजन पहुँचा दी जाती है RBCs के जरिए। तो एनीमिया में हीमोग्लोबिन ही कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन अब किसके साथ बॉन्ड बनाएगा और कैसे वहाँ तक जाएगा जहाँ जरूरत है, जैसे ब्रेन में, हार्ट में, लीवर में। तो इस वजह से भी ऑक्सीजन लेवल शरीर में कम हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा पूरी ना होने की वजह से आंखों के पीछे प्रेशर कम हो जाता है, जिससे ब्लर दिखाई देने लगता है, और ब्रेन में ठीक मात्रा में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से हेडेक होता है, जिससे कंसंट्रेशन लॉस होता है, फोकस लॉस होता है और मेमोरी लॉस होता है। एनीमिया मेल्स के कंपेयर में फीमेल्स में ज्यादा देखने मिलता है। नंबर 6, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जब हम ग्राउंड लेवल पर होते हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट होती है 21%, लेकिन जैसे ही ऊंचाई पर जाते जाओगे तो ऑक्सीजन परसेंट कम होता जाएगा हवा में। जमीन से जैसे ही आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो हर 2000 फीट पर 1% ऑक्सीजन गिरता जाएगा,
जिससे आपको सफोकेशन होने लगेगा। इस चीज को मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको वीडियो के एंड में स्क्रीन पर दिख जाएगा वो वीडियो। तो हाई एल्टीट्यूड भी एक फैक्टर है जिससे ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है शरीर का। इसके अलावा आपको किसी कमरे में या चेम्बर में लॉक कर दिया जाए जहाँ ऑक्सीजन कम हो, तो वहाँ भी आपको सफोकेशन होने लगेगा और आपका ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है। तो दोस्तों, ये सारे रीजंस है जिससे हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरता है। इन सारी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, इसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ऐसी सिचुएशंस में आपको डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब नॉलेज इंडिया सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी है, वहाँ भी आपको नॉलेज से जुड़ी चीजें मिलती रहेगी। सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और फॉलो कर लो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।